ये है दिल्ली दर्पण। गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। ये कंट्रोल रूम हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लेकर आ रहे सभी कांवड़ भक्तों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में कांवड़ियों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। गाजियाबाद जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि कंट्रोल रूम से सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी की निगरानी रखी जाएगी और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तथा एलसीडी स्क्रीन भी लगाई गई है तथा लाइट और पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई है ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए पुलिस सुरक्षा के साथ साथ सिविल डिफेंस के लोग भी लगाए गए हैं। वहीं जिले के कप्तान वैभव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों की हर सुख सुविधा का सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है और जगह जगह पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी पूरी कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। देखिए, इस बार 12 ड्रोन कैमरे नए हम लोगों ने मंगवाए हैं जिससे कि पूरे कांवड़ मार्ग का मॉनिटरिंग हो रही है और फोर्स पुलिस बल काफ़ी है। डाइवर्जन वगैरह इफेक्टिवली चालू करवाए गए हैं, सारी व्यवस्था अच्छी रहेगी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई हैं। आज यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया गया है। लगभग 120 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगा के कांवड़ के यात्रियों की सुविधाओं के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 80 पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरास हैं जिनका अलग अलग जगह पे कंट्रोल रूम है। इसके अतिरिक्त सिविल डिफेंस, पुलिस, मजिस्ट्रेट्स दो जोन्स में और कई सेक्टर्स में पूरे ज़िले को बांटा गया है और सब जगह सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, कब कांवड़ लेके चले थे और किस प्रकार? 28 को। 28 को लेके चले थे और आप गाजियाबाद में आ चुके हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर